गवर्नर से कोई काम नहीं होता। कश्मीर में तो जो गवर्नर होता है अक्सर वो दारू पीता है और गोल खेलता है, जम्मू कश्मीर के पूर्व और गोवा के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक बागपत दौरे पर थे। बागपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर के राज्यपाल के पास कोई काम नहीं होता है, कश्मीर का राज्यपाल केवल दारू पीता है और गोल्फ खेलता है। साथ ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जब वो बिहार के राज्यपाल थे तब राज्य में 100 कॉलेज ऐसे थे जो नेताओं के थे। गवर्नर से कोई काम नहीं होता। कश्मीर में तो जो गवर्नर होता है अक्सर वो दारू पीता है और गोल्फ खेलता है। बाकी जगह जो गवर्नर होते हैं वो आराम से रहते हैं, किसी झगड़े में पड़ते नहीं। मुझे बिहार में भेजा, मैंने कोशिश की वहां शिक्षा में सुधार करने की। ऐसे ऐसे कॉलेज थे, 110 कॉलेज थे नेताओं के, जिनमें एक भी अध्यापक नहीं था। बीएड का दाखिला करते थे 30 लाख रुपए देते थे, इम्तहान करते थे, डिग्री दे देते थे। मैंने सारे खत्म किए वो, और एक सेंट्रलाइज इम्तहान करा। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक बिहार और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की भूमिका संभाल चुके हैं, और पिछले साल जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था, उस वक्त सत्यपाल मलिक वहां के राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर में इस बदलाव के बाद किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए राज्य की प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथ में थी। न्यूज़ डेस्क।